तो माइक नहीं चल रहा है तो मैं अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया था प्लान डिसाइड कि हम जाएंगे नारकंडा आगे, क्योंकि हम पहुँच गए थे 10 बजे। तो इस राइड में अपने साथ एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई राइड की स्टार्टिंग में भी और राइड के एंड में। तो कुछ ऐसा हो गया था कि हम क्या बताएं कि जब राइड हमारी ख़त्म हुई तब मेरी बाइक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो सॉल्व नहीं हुई। बट अच्छी बात ये थी कि मैं घर पहुंच चुका था तब मेरे को ये चीज़ पता लगी। और सबसे बड़ी चीज़ जब मैं यहाँ पे था ये टर्न क्रॉस करने के बाद मैं इस साइड मुड़ गया था लेफ्ट साइड चुनाव और जो मेरे फ्रेंड्स थे तो नमन और विकास वो जा चुके थे स्ट्रेट। और यहाँ मैंने उनको कॉल किया कंफर्म किया कि वो कहाँ पे है, साथ ही मैं नेविगेशन लगा ली क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं अकेला राइड कर रहा हूँ इस रोड पे क्योंकि मैं शिमला से आगे नहीं गया था आज तक। तो अभी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे थे क्योंकि वो लोग आगे जा चुके थे और मैं अभी भी पीछे था। चलो बाकी आपको आगे दिखाते हैं कि हम कैसे मिले कैसे नहीं मिले। और यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, मैं यहाँ पे साइड में खड़ के आप लोगों को व्यू दिखाना चाहता था लेकिन व्यू नहीं दिखा पाया। रीज़न क्या है उसका बताया जाता हूँ क्योंकि विकास भाई और नमन भाई बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे या पीछे थे मेरे से कुछ पता नहीं था, मेरी बात नहीं हो रही थी कि मैंने हेलमेट लगाया हुआ था और फ़ोन मेरा आगे लगा हुआ था, मैं ढंग से बात नहीं कर पा रहा था। बट समहाउ और यहाँ पे भी आप रुक सकते हो अगर आप आते हो शिमला तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ वगैरह देख सकते हो, फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं कंटिन्यूसली इस रोड से गया, मेरे को पता लगा कि जो नमन भाई है और विकास भाई है वो दोनों आ रहे हैं संजौली होके और मैं निकला था मेन शिमला से लेफ्ट साइड होके। तो हम आगे जाके मिलेंगे और अभी ऐसे 6 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों रोड के बीच में, तो जहाँ मिलेंगे तब वहीं आपको क्लिप दिखाता हूँ। सो इतनी मेहनत के बाद हम पहुँचे फागू और पोर्ट आप देख सकते हो झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है। और वो भी मज़े की बात यह है कि अभी मैंने देखा हुआ वो भी क्लिप में जिस टाइम मैं फागू पहुँचा था एग्जैक्टली मेरा खुद पता लगा था मैं फागू पहुँच चुका हूँ। फागू की मार्केट ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मार्केट है। वो मार्केट हमने क्रॉस की और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा ढाबा है वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाना पीना किया फिर हम आगे निकले। दिखाता हूँ मैं कहाँ पे है, ये वाला है दिखा देता हूँ। और हमने यहाँ खाना खाया और उसके बाद हम निकल गए आगे। आप व्यूज़ का मज़ा लो, हम राइड कर लेते हैं। Thank you.
हिमाचल प्रदेश, और ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, छोटी सिटी है और काफ़ी पुरानी भी है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको एप्पल के बिज़नेस दिखेंगे चारों तरफ। मतियाना बेसिकली फेमस हिमाचल में एप्पल के लिए है, तो यहाँ पे गाड़ी हम एप्पल भर भर के जाते हैं। ये देख सकते हो आप मेरे लेफ्ट साइड में, इस सारे एप्पल की यहाँ पे लेफ्ट साइड में एप्पल ही एप्पल लगे हैं, सारी जगह एप्पल ही एप्पल के पेड़ लगे हैं ऊपर तक, जो ढके हुए हैं ताकि उनके ऊपर पक्षी या पंछी या कीड़े वगैरह कोई दिक्कत ना करे उनको। आगे की तरफ भी देख सकते हो आप, स्ट्रेट जो आगे की तरफ है वहाँ पे भी लेफ्ट साइड को मैं थोड़ा सा ना वीडियो को स्लो कर दूंगा जिससे आपको एग्जैक्टली नज़र आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड ट्रक खड़े हैं और यहाँ पे भी एप्पल का पूरा बिजनेस चला हुआ। राइट साइड में आप देखो पूरे एप्पल के ट्रक खड़े हैं, जो अपना एप्पल होते हैं एप्पल के बॉक्सेस लादे जा रहे हैं बेसिकली। ये देखो लेफ्ट की तरफ बिल्कुल भर रखा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि व्यूज़ देखो आप, बिल्कुल ग्रीन नज़ारा आ रहा है। ये देखो वाटरफॉल बहुत प्यारा, रुक नहीं पाया लेकिन दिखाने के लिए आप लोगों को, तभी मैंने वीडियो को स्लो किया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो पिकअप है, पिकअप में भी एप्पल को लादा जा रहा है, और ये वाली जगह मेरे को एक्चुअली में बहुत प्यारी लगी। लेकिन दोनों साइड काफ़ी अच्छी व्यू थी, इस साइड जो पहाड़ थे ब्लैक प्लस ब्राउन कलर के थे और दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे व्यूज़ में। लेफ्ट साइड के जो मेरे क्लाउड्स थे वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखो, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको स्लो करके, अभी आप देखना, चलो मैं दिखा नहीं पाया ढंग से, लेकिन बहुत प्यारे थे ये व्यूज़। और एप्पल वगैरह वहाँ से लेने जाते हैं तो आपको सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन हम ख़रीद नहीं सकते। रीज़न क्या है कि हमारे पास बैग होते हैं, और बैग में अगर हम और सामान डालेंगे और छोटी मोटी चीज़ें अगर हम ख़रीद कर डालने लग जाएंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा और जो हमारे लिए कैरी करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ नारकंडा पहुँच गए। नारकंडा पहुँचने के बाद, ये नारकंडा की मार्केट है, आप देख सकते हो उसको। ये वाला सीन मैंने कट नहीं किया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि नारकंडा की मार्केट कैसे है। तो नारकंडा पहुंचने के बाद हम डायरेक्टली निकल गए हट्टू के लिए, जो कि स्ट्रीट रास्ता है ऊपर के लिए, और हम वहाँ रुके नहीं कहीं पे फोटोज़ क्लिक करने के लिए। हम डायरेक्टली पहले डेस्टिनेशन पहुँचने प्रेफर किया। सबसे अच्छी बात ये थी कि चारों तरफ व्यूज़ ही व्यूज़ थे हर जगह पे, और व्यूज़ का मज़ा लेते हम डायरेक्टली जा रहे थे। सबसे बुरी बात इस जगह की ये है, व्यूज़ तो बहुत बढ़िया है लेकिन रोड वन साइडेड है, मतलब इन केस अगर आगे से गाड़ी आ जाती तो आपको अपनी बाइक रोकनी पड़ेगी और साइड आपको चिपकानी पड़ेगी, बिल्कुल रोड की लेफ्ट साइड में बिल्कुल चिपकानी पड़ सकती है आपको, जो कि हमारे साथ भी हुआ आगे जाके। एक गाड़ी आगे से आई और हमें अपनी बाइक लेफ्ट में बिल्कुल चिपकानी पड़ी, और बुरी बात ये थी कि जिस साइड हमने बाइक चिपकाई, जहाँ मैंने अभी बाइक चिपका रखी है, ये जगह बिल्कुल कीचड़ से भरी हुई थी। जैसे तैसे करके यहाँ से बाइक निकाली, फिर हम आगे निकले। अभी हमें इतना पता लग गया था कि मेरी डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा पास है। चारों तरफ पेड़ कुछ इस तरह लग रहे थे जैसे कि हम कहीं घने जंगल में आ गए, और एक्चुअल में घना जंगल है। अगर आप रात को यहाँ ट्रैवल करते हो तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि जंगली जानवर ही बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ इस रोड पे एक छोटी सी झील आती है जो बहुत ही प्यारी लगती है, आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन पेड़ों का ऊपर की तरफ पड़ता है, जो बहुत ही प्यारी फोटोज़ आती हैं यहाँ पे। बट हम रुक नहीं पाए, यहाँ पे एक और गाड़ी आई और हम यहाँ दोबारा से फंस गए इसी रोड पे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि चारों तरफ कीचड़ कीचड़ था, कभी कहीं जाके बिल्कुल साफ रोड था, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, मेरी बाइक ने वहीं से स्टार्ट कर दिया प्रॉब्लम देना। उसकी कोई कमी नहीं थी मेरे लेफ्ट साइड, बहुत प्यारा व्यू था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा पाऊँ, हल्का सा मैं दिखा पा रहा हूँ, पूरा मैं हेड टिल्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि रोड ऐसा था, वन साइडेड रोड है तो खतरा भी पूरा है, यहाँ पे बहुत छोटी आ रहा है। और फाइनली हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन में, और तब मैंने नवन को ओवरटेक किया यहाँ पे। मेरे को सच में आइडिया नहीं था कि मैं पहुँच गया, क्योंकि मेरे को उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि आगे काफ़ी सारे रोड आएंगे। मैंने हल्का सा ऊपर देखा तो मुझे लगा कि जस्ट थोड़ी बहुत ऐसे मोड़ आ रहे होंगे कि थोड़ी बहुत घरे हुए, लेकिन हैरानी तब हुई जब मैंने ये वाला टर्न लिया। अब जब मैंने ये टर्न लिया तो मैं हैरान रह गया कि हाँ फाइनली आई हैव मेड इट। वो एक्साइटमेंट जो अंदर से आ रहा था वो अलग ही लेवल का था, वो एड्रेनलिन जो अंदर से रिलीज़ हो रहा था वो अलग ही लेवल का था, और मैं लिटरली यस यस कर रहा था यहाँ पे, वी मेड इट। एंड और आफ्टर इतनी ज़्यादा मशक्कत के बाद फाइनली ये रहा हट्टू टेम्पल। ये रहे हमारे मित्रगण, फोटोग्राफी फोटोशूट सब चल रहे हैं यहाँ पे, और उधर भी देखेंगे जाके क्या सीन है, जगह वो भी अच्छी लग रही है। तो हम आगे से अंदर की तरफ मुड़ेंगे, फिर आपको दिखाते हैं।
खत्म ही सकते हो, खत्म बिल्कुल बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। पुरानी मान्यता के अनुसार जब अज्ञातवास हुआ था तब पांडव हट्टू में रहे थे और उन्होंने माता की उपासना की थी और उन्होंने वरदान पाया था जो शत्रु थे उन पर विजय पाने का। और उस समय की जो प्राचीन शिला है, बोले तो पत्थर है, अभी भी वहाँ पे है, वो काफ़ी बड़ा पत्थर है, वो अभी भी वहाँ को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे राइट साइड में नीचे की तरफ कैंटीन है, तो यहाँ पे कुछ खाना तो यहाँ पे आप जाके खा सकते हो। और ये सामने जो पत्थर दिख रहा है आपको राइट साइड में, अब जो पत्थर दिख रहा है जहाँ पे दो लोग खड़े हैं, वो पत्थर है जहाँ पे पांडवों ने बैठ के तपस्या की थी। वहीं एक दो तीन पत्थर हैं बल्कि वहाँ पे। और फिर फाइनली वो टाइम आया जब हमें हट्टू को कहना पड़ा अलविदा। हमने 2-3 घंटे बिताए पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए। जो भी आपको फोटो या वीडियोग्राफी देखनी है हमारी, वो सारी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम का लिंक या फिर मैं इंस्टाग्राम की जो यूज़र आईडी है यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगा, रेड कलर में मेंशन हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है, या इसको आप बोल सकते हो कि एक पार्किंग है बेसिकली, जहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क हो सकती है। और जो कोई बाई प्लेन या बाई एयर आ रहा है तो यहाँ पे लैंड हो सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह लैंड हो सकते हैं इजीली। लेकिन ये देखने में सच में बहुत ही बढ़िया जगह लग रही थी और मैं सच में यहाँ पे विश कर रहा था कि काश मेरा ड्रोन होता, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन शॉट बहुत प्यारे आते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं, मैं तो फोटोज क्लिक की और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए घर के लिए वापस। जब हम जिस झील के पास पहुंचे मेरा कैमरा बंद हो चुका था नीचे उतरते उतरते, लेकिन जो कोहरा था बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे यहाँ बारिश लगी थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। हम यहाँ पे रुके हो जाके यहाँ से निकले तो नीचे हम पहुँचते हैं जहाँ से नारकंडा और उसके लिए रास्ता निकलता है मेन रोड पर। वहाँ जाके मैंने थोड़ा बहुत खाना पीना किया और उसके बाद हम कंटिन्यूसली चल पड़े। यहाँ पे आके मेरी बाइक ने दिक्कत देनी शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं मेरे जो मीटर है वहाँ पर रेड कलर की लाइट आ रही है। बेसिकली वो लाइट होती है अपना फ्यूल इंजेक्शन की, तो फ्यूल इंजेक्शन काम नहीं कर रहा था। तो मुझे अभी भी लग रहा था कि खैर पेट्रोल का इशू होगा, तो मैंने पेट्रोल डलवाया लेकिन ये दिक्कत ठीक नहीं हुई। तो थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, लेकिन जब तक मैं घर पहुँचा इस प्रॉब्लम ने बड़ा रूप ले लिया था। और मेरे घर के जस्ट 3 या 4 किलोमीटर पहले मेरी बाइक ऐसी बंद हो गई थी, दोबारा स्टार्ट नहीं हुई, तो उसके बाद हमें टो करनी पड़ी और फिर घर पहुँचानी पड़ी बाइक। इसके बाद अगर वीडियो में बताऊं तो इस टाइम मैं शिमला पहुंच चुका था। शिमला में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, जैसे तैसे करके शिमला हमने क्रॉस किया। लेकिन ये वाला व्यू मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ, जो मैंने आंखों से देखा वो ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन कैमरा ने भी काफ़ी अच्छा खासा व्यू रिकॉर्ड किया। यहाँ पे हमारे साथ ये हुआ, विकास भाई और नवन भाई निकल चुके थे बहुत ज़्यादा आगे। और फाइनली रात के 8 या 8:30 बजे करीब करीब, एग्जैक्ट टाइम को याद नहीं है, मैं पहुंच गया था सोलन मार रोड। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस की इस राइड में वो था मेरा माइक, जो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को 2 या 3 दिन बैठ के टाइम निकाल के वॉइस ओवर करना पड़ा है। और देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।